हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल पराठा, वो भी बहुत ही अलग तरीके से। सो गाइज, बच्चों को ना टेस्ट से ज़्यादा ना बच्चों लोगों को दिखने में कोई भी चीज़ अच्छा होना चाहिए। बच्चे लोगों को ना शेप डिज़ाइन वगैरह बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए हम करते हैं इस वीडियो को शुरू। और गाइज, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये बहुत ही मैंने अलग तरीके से बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डाला है 1.5 कप गेहूँ का आटा। तो इसे हम गेहूँ के आटे में बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए नमक, और अगर आपको अजवाइन का टेस्ट पसंद है तो इस तरीके से आप आधा चम्मच अजवाइन लीजिएगा, हाथों से ऐसे क्रश करके डालिएगा। थोड़ा ऐसे इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला देंगे। आप चाहे तो आप चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना हम इसका आटा गूँथ लेंगे। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी का आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हमें जो है आटा को गूँथ लेना है। ना ही ज़्यादा आटा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा आटा टाइट होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटा गूंथ लिया। इसको ढककर मैं अब 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया और आटा देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना रोटी की तरह लोई लिया है, यानी कि रोटी से ना थोड़ी सी बड़ी लोई है ये, थोड़ी सी हमें बड़ी ही लेनी है। तो यहाँ पर मैंने लगाया सूखा आटा, और उसके बाद हमें इसे बेलना है। तो जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हमें बेलना है, लेकिन हमने लोई बड़ी ली है तो रोटी से थोड़ा सा ये मोटा ही होगा। तो अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा देंगे और उंगली की सहायता से बीच में होल कर देंगे, और इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे, और बीच से एक तरफ से हम इसको तोड़ देंगे, और जैसे जलेबी की तरह हम इसको गोल गोल घुमाते हुए हम इसका इस तरीके से शेप देंगे। एक को हम इस तरीके से मोड़ेंगे, एक को हम उस तरफ से मोड़ेंगे। ये देखिए, फिर हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, दोनों को आपस में चिपका देंगे इस तरीके से हाथों से प्रेस करके, और अब हम इसे बिना सूखा आटा लगाए हम इसे बेलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे, और अब बनाएंगे हम इसका डिज़ाइन जो कि बहुत ही यूनिक है। ये देखिए, पहले हम इसको बेल लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने इसे बेल लिया, और यहाँ पर मैंने लिया है चाकू। तो गाइस, जहाँ से हम सब्जी काटते हैं ना वहाँ का यूज़ नहीं करना है हमें, पीछे का यूज़ करना है। तो हमें रखना है एक उंगली, ये देखिए, और उंगली के साइड जो साइड वाला होता है ना, साइड में हमें इस तरीके से कट करते जाना है, यानी कि कट नहीं करना है नीचे। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किप कर करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से उंगली रखना है, और उंगली के जस्ट बगल में ये देखिए, बस चाकू की जो नोक होती है ना उससे हमें ये डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, ये बनके रेडी हो गया ये डिज़ाइन, और मैं आपको एक और बार मैं आपको दिखा दूंगी बना के। तो मैंने इस पर से थोड़ा सी धनिया की पत्ती लगा दे दी ताकि ये दिखने में ना थोड़ा सा ही अच्छा लगे, और मैं इस तरीके से मैंने बैलेंसेस को मैंने चिपका दिया है। और फिर इसके बाद मैं आपको एक दूसरा ही बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले हमें तेल लगा के हमें होल करना है, फिर इस तरीके से हमें इसे रोल कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से रोल करेंगे, और फिर बीच से हम इसे तोड़ देंगे। एक को हम उस तरफ से घुमाएंगे, एक को हम इस तरफ से घुमाएंगे, जलेबी की तरह, बिल्कुल जलेबी की तरह घुमा दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, मैंने जो है घुमा दिया है दोनों को जलेबी की तरह। फिर इस पर लगाएंगे ऑयल, और ऑयल लगा के हमें दोनों को चिपका देना है, और फिर उसके बाद हमें इसे बेलना है बिना सूखा आटा लगाए। तो इसे मैं बेल लेती हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने बेल लिया है, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर धनिया की पत्ती मैंने डिज़ाइन बनाने से पहले ही मैंने डाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें चाकू के नोक से पीछे वाले साइड से हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। आप देख लीजिए, आपको देखने में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें डिज़ाइन बनाते जाना है। उंगली रखना है, उंगली के बगल में हमें इस तरीके से नीचे से हमें मोड़ते जाना है। ये देखिए, आप बनाइएगा ना, तो बनाने जब बनाने बैठिएगा तो ईजिली ये बन जाएगा। तो यहाँ ये डिज़ाइन बन गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गैस पर डाल दिया है तवा, और उस पर मैंने डाल दिया, तवा को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद मैंने इस पर डाल दिया पराठा, और पराठे को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे पीछे से हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से लटते पलटते हमें सेक लेना है। आप चाहे तो आप तेल या घी जिसका भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी, और साथ साथ ना बच्चे भी इसको बहुत ही मज़े से खाएंगे। बच्चों को तो बस डिज़ाइन और शेप पसंद होता है, बस जैसा भी उनको बना के दे दो उन्हें तो बस डिज़ाइन देखने में अच्छा लगना चाहिए तो बच्चे खाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको, बच्चे को ना ये बहुत ही पसंद आएगा, बच्चे इसको बहुत ही मज़े से खाने वाले, मेहमान तो आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने पराठा सेक लिया है। उसके बाद यहाँ देखिए गाइस, पराठा हमारा सिक चुका है। तो मैंने आपको पहले अभी एक सेक के दिखा दिया। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बाय।